कॉन्स्टिट्यूशन के हमने कितने टाइप्स पढ़े, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हो गए टाइप्स। देखिए पूरे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन के कितने तरह के नेचर आपको मिलेंगे, यूनिटरी फॉर्म एंड फेडरल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले यूनिटरी, यहाँ पे क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब एक ही गवर्नमेंट को सारी पावर दे दी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट है, लेकिन सारी की सारी पावर किसे दी गई है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सारी की सारी एक ही जगह सेंट्रलाइज हो गई है, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या हो गई, ये एक डिपेंडेंट बॉडी हो गई है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट बन गई अब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी का कोई मतलब नहीं है, तो इसे बोला जाता है यूनिटरी नेचर। सेकेंड नेचर होता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल में क्या होता है कि अगर एक कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट है, तो इन दोनों में से कोई भी सुप्रीम नहीं है, दोनों अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट है, अपने 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 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये लोग काम करेंगे। तो कोई भी बॉडी एक दूसरे की सबॉर्डिनेट बॉडी नहीं है यहाँ पर, तो दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट है कि पावर्स को दोनों में डिवाइड कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर किस तरीके का है? तो यूनिटरी फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास दोनों गवर्नमेंट तो है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, तो यूनिटरी तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर नहीं है। सेकेंड फेडरल। अब इसे जानने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर के हमें एसेंशियल्स जानने होंगे कि क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे के सारे एसेंशियल्स है भी। तो सबसे पहले फेडरल स्ट्रक्चर के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हमें ही पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की गवर्नमेंट इन्होंने दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब इन दोनों में क्या होता है, पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है और दोनों अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट है कम्प्लीटली। और इन दोनों को ही कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों को ही कंट्रोल करने वाला कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों में जो पावर्स को भी डिवाइड किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही। तो सबसे पहला फीचर हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड फीचर कौन सा है, सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जितने भी पावर्स हों, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, अब ये सारे के सारे पावर्स को कौन कंट्रोल करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये सारे के सारे पावर्स रिटन फॉर्म में है और ये सब लिमिटेड है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सबको कंट्रोल किया जाता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी पावर इनमें से सुप्रीम नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कौन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट फीचर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक फेडरल स्ट्रक्चर की अगर गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे जरूरी है कि पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए। अब पावर्स को डिवाइड तो हमारे यहाँ कर दिया है, लेकिन पावर्स को अगर डिवाइड किया गया है तो इस पावर के डिवीज़न को मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरीके की मिस इंटरप्रिटेशन ना हो कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन फॉर्म में ऑलरेडी है। नेक्स्ट इज रिजिडिटी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे इंडिया में क्या है, एक सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, चाहे वो किसी अथॉरिटी के ऊपर हो या फिर किसी लॉज के ऊपर हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द लैंड है तो इसका रिजिड होना तो ज़रूरी है, जो कि रिजिड है। अब इसमें अमेंडमेंट अगर हमें लाना हो, अब इसके अमेंडमेंट की पावर एक गवर्नमेंट के पास कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसलिए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना हो तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट्स वाई यहाँ पे अमेंडमेंट जो है वो रिजिड है, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड है, ठीक है। नेक्स्ट वन अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और इसमें जितने भी पावर्स को प्रेस्क्राइब किया गया, तो एक बॉडी ऐसी भी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल, जो कि इन अथॉरिटी से ऊपर हो। अथॉरिटी से ऊपर होने का मतलब ये नहीं कि वो सुप्रीम हो, सिर्फ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दी गई है, जो भी कुछ प्रेस्क्राइब किया गया, इसको एक बैलेंस करने के लिए, इसको चेक करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास जुडिशरी है, क्लियर। तो इसलिए हमारे पास अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स भी है। तो देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है? बिल्कुल, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है,
लेकिन कुछ जूरिस्ट का कहना ऐसा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वाज़ी फेडरल है। क्वाज़ी फेडरल कैसे? कि इसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि यूनिटरी फॉर्म में होते हैं। अब यूनिटरी फॉर्म के फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर कौन होते हैं? हर स्टेट में आपको गवर्नर्स मिलेंगे। गवर्नर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है इन द स्टेट। जो सीएम होते हैं, सीएम के ऊपर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर्स, और गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो गवर्नर होता है, ये एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन ये डिपेंड लेकिन इसका जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। मिनिस्टर्स की, जैसे जैसे मिनिस्टर कहेंगे वैसे वैसे गवर्नर को करना होगा। लेकिन जब एक स्टेट में कोई भी लॉ अगर पास किया जाता है तो गवर्नर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। और प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है वीटो पावर। तो इस वजह से यहाँ पे किस तरीके का नेचर आपको मिला? यूनिटरी नेचर। मतलब कि एक तरह से नेचर मिला सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी का, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर का, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर का स्टेट गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट अथॉरिटी होने का। सेकेंड फीचर है हमारा पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट इन नेशनल इंटरेस्ट। पार्लियामेंट, हमने देख, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है, कभी कभी लॉज बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे तो रिजोल्यूशन को, तब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉज को फ्रेम कर सकती है। तब यहाँ पे फिर से क्या हुआ? एक यूनिटरी नेचर का आपको फॉर्म मिला, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी देखने को मिली अब ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज न्यू स्टेट्स को फॉर्म करना, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना। तो आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि इंडिया में जितनी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं इनकी बाउंड्रीज को ये ऑल्टर कर सकती है, इनके नाम को चेंजेस कर सकती है, न्यू स्टेट्स को फॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे पूरी कंप्लीटली पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ पे भी आपको एक यूनिटरी नेचर का फॉर्म मिलता है। लास्ट वर्ड इज अबाउट दी एमरजेंसी प्रोविजन। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे तीन तरह की एमरजेंसी देखने को मिलेगी, आर्टिकल नंबर 352, 356 एंड 360। अब जब 352 अप्लाई होता है तब क्या होता है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट पर लॉज को फ्रेम कर सकती है, स्टेट को रिवेन्यू के रिगार्डिंग डायरेक्शंस दे सकती है एक्सेट्रा। तो 352 जब अप्लाई किया जाता है तो उस टाइम पे किसकी सुप्रीमेसी हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी हो जाती है, उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है। और जब 356 अप्लाई होता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है? प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है, लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है, लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है। और सारे के सारे पावर किसके पास आ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी। तो ये कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को दिखाते हैं अबव दी स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फॉर्म के एसेंशियल्स भी अवेलेबल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस नेचर का? यूनिटरी और फेडरल। तो हमने देखा कि फेडरल नेचर की भी है और साथ में यूनिटरी नेचर भी है। इट मीन्स दैट कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्वाज़ी फेडरल नेचर का, क्वाज़ी फेडरल नेचर का। वीडियो के नीचे दिए गए पिंड कमेंट्स पर जाकर दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो।